वॉट फॉर लेजी? नहीं, वो मुनव्वर का काम ही वही है कि वो बाने वाने का कोई ऐसा राशन वाशन का कोई सीन नहीं है उसके घर पे, तीन चार लोगों को और खिला सकता है वो खाना ऐसा। तो जो सवाल पूछने का तरीका था वो गलत था थोड़ा। एंड मूवमेंट में जैसे लास्ट टाइम एमसी स्टैंड ने किया था, और मुनव्वर बेसिकली एक कॉमेडियन है, तो अभी जैसे बिग बॉस के बाहर सना और नेजी का एक रैप वीडियो आया या म्यूजिक वीडियो आए, वो एमी में बनता है। उचली भाई वो दोस्ती है, दोस्ती है वो, बाकी मुनव्वर भी है नेजी भाई के साथ, बाकी मुनव्वर भाई अपने साथ ही है। अभी रिपोर्टर आया था, उसने मुसना मकबूल का थोड़ा पूछा तो नेजी भाई बड़ा की कुछ नहीं कुछ महंगे भाई, ऐसा सिस्टम तो ये भाई, ये सद्दू भाई का ना ये सिस्टम। नेजी भाई यू आर रॉक, खतरनाक मुंबई सत्तर। बोलने का यार चलेगा ना? हाँ हाँ, लाइट देता हूँ मैं, जाओ लाइट देगी ना? हाँ देख, लाइट बराबर है, फेस कट फेस देखना बराबर है, जा जा जा। हाँ बम्बई सफर क्या कहना है, नीति के फैंस यहाँ जमा हुए, पीछे हम फैंस को देख रहे हैं, फैन मीटअप चल रहा है नीति का, आप बताना चाहोगे? नेजी का मीटअप चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग आए और जगह जगह से आए, हर जगह से आए, मुंबई के बाहर से आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अलग अलग तरह के फैंस देखने को मिल रहे हैं, जो रैप, जिन लोगों को रैप करना आता है, जो खुद रैप लिख कर भी लाए, वैसे भी उसके फैंस मिले, बहुत अच्छा लग रहा है देख कर। कुरला एकदम ईगरली वेटिंग, वी आर ईगरली वेटिंग, हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कब फिनाले हो और कब निजी ट्रॉफी लेकर आए। ओके, निजी की बात करें तो सपोर्ट उनको काफी मिल रहा है, मुनव्वर की तरफ से भी सपोर्ट मिला है, शो के पहले भी था और अब भी है, इस बात पे क्या कहना मुनव्वर उसको पहले से सपोर्ट करते हुए, पहले से दोस्त है मुनव्वर उसका, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुनव्वर उसको सपोर्ट कर रहा है और हम चाहेंगे कि उसकी तरह बहुत से लोग और भी है, रफ्तार है और एमी में बंटा है वो भी सपोर्ट कर रहा है अपनी स्टोरी और पे, सेवन बंटा है, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सब देख कर। नहीं, वो मुनव्वर का काम ही वही है कि वो रोस्ट करना, वो उसका वो है, उसका स्टैंड अप कॉमेडियन है तो वो उतना करेगा, तो उसको कोई ऐसा वो नहीं, खाने वाने का कोई ऐसा राशन वाशन का कोई सीन नहीं है उसके घर पे, तीन चार लोगों को और खिला सकता है वो खाना ऐसा। नेजी की जर्नी आपको कैसा लगती है? सब लोग बोल रहे हैं नेजी नहीं कि लेजी है, जर्नी कैसा लग रही है आपको? जर्नी बहुत अच्छी लग रही है, लेजी वैसा लग रहा है वो, वैसा है नहीं वो, कभी कभी वो लेज़ी हो जाता है, थकान होती है, कभी कभी लेज़ी हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो एक्टिव भी रहता है, जैसा कोई टास्क वास्क में आप देखे रहेंगे कि कभी कभी वो एक्टिव भी रहता है ऐसा, नो रीज़न फॉर नो रीज़न वो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करता है वो, क्योंकि बाहर भी वैसा ही है वो। कल मुनव्वर आया था, उन्होंने सपोर्ट भी किया नेजी को, लेकिन उन्होंने बोला कि
जब रिपोर्टर ने आपको पूछा था क्वेश्चन तो आप भड़क गए थे, लेकिन गेम टास्क में आप कभी भड़के नहीं भाई साहब। हाँ मैंने बोला ना वो फॉर नो रीजन कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करता है, जहाँ उसको लगता है बोलना चाहिए वहाँ बोलता है, नहीं जहाँ नहीं लगता है तो बिना फजूल के कोई बात नहीं करता है। वो हमारे साथ भी वो कभी रहता है, कभी कभी ऐसे जोन में रहता है कि मतलब उसको लगता है कि बात करना चाहिए तो करता है, नहीं करना चाहिए तो ही टेक्स हिज टाइम एंड आंसर। नहीं वो नोटिस करता है कोई कोई चीज़ें कि वहाँ पर वो क्या लगा हुआ है उस पर, वैसा वो ऊपर का जो उसका बिग बॉस का बना हुआ है जैसे लाइटिंग वाइटिंग है, तो वो कोई कोई चीज़ को डीप थिंकिंग में भी चला जाता है कि वो जैसे वो बटरफ्लाई की बात बताया था उसने, तो वैसा वो डीप थिंकिंग करता है कोई कोई चीज़ों पर, तो वैसा वो कैमरे में आ गया, वो उसने नोटिस नहीं किया कि वो रिकॉर्ड हो रहा है और वो सब आएगा बाहर, मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लगता है। नहीं वो जो सवाल पूछने का तरीका था वो गलत था थोड़ा, वो जो जो हिसाब से वो बोल रहे थे कि सो रहे हो आप, सोते सोते यहाँ तक पहुँच गए। इवन इफ़ यू डोंट मीन ना कि आप ऐसा किसी को सामने दिखा रहे हो कि आप सो रहे सो के यहाँ तक पहुँच गए, तो आप लेकिन सवाल को थोड़ा सा अच्छा से ऑर्गेनाइज सवाल पूछ सकते थे पॉजिटिव में। वो तो सबको बोल सकते हैं ज़्यादा फ्री में, तो मतलब वो कोई भी पर्सनैलिटी रहने दो, फिर इवन इफ रिपोर्टर हो कोई भी हो कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, अगर कुछ उसके कोई अपने बाउंड्रीज क्रॉस करता है तो उसका रिप्लाई वैसे ही रहता है, वो वैसे ही रिस्पॉन्स करता है हमेशा। घर वाले बहुत खुश है उसके कि मतलब अच्छा लग रहा है, वो कोई ऐसी बदतमीजी नहीं कर रहा है, अच्छा कर रहा है, वो गेम में यहाँ तक के पहुँच गया है, घर वालों को तो बहुत प्राउड मोमेंट है उन लोग के लिए। So, क्या बोलते हैं बॉम्बे 70 की पब्लिक, बोलिए। तो फैन मीटअप में आए नेजी के, कैसा फील करो, कितने एक्साइटेड सारे फैंस भाई? इतना एक्साइटेड कि मैं ऑफिस की आज अनप्लान किया, मतलब समझ रहे छुट्टी करके आया हूँ मैं, क्योंकि इतना सपोर्ट करने का है। डाउनलोड हो गया ऐप, उसके बाद पूरा शो देखने लगे। कैसा गेम लग रहा है नेजी का बिग बॉस में जो चल रहा है? ओवरऑल देखा जाए तो 100% सब सही है, नेजी का गेम ही ऐसा है कि उसको पता है कि गेम कैसा खेला जाता है, ऐसा नहीं कि किसी से आर्गू करो ये करो, वो काफ़ी अच्छा बंदा है, हर किसी से मिलके रहता है और वही गेम लोगों को पसंद है। अभी कैसा बिग बॉस फैमिली शो है तो बुरे देखते हैं, बच्चे देखते हैं, सब देखते हैं, तो लोग चाहते हैं कि ऐसे पर्सन को हम लोग कनेक्ट करें। अभी इसके पहले नेजी को सपोज हम लोग यूथ देख रहे, अभी कोई फैमिली मेम्बर्स उन लोग को नहीं पता कि ये बंदा कौन है, बट वो गेम देखते देखते लोगों को पसंद आने लगा और ट्रॉफी तो ऑब्वियसली बॉम्बे 70 आने वाली है कुर्ला, और हम लोग गवंडी से तो पूरा सपोर्ट है भाई। अंडरग्राउंड में क्या सीन चल रहा है, कितने रैपर्स यहाँ पे सब सपोर्ट करने के आए, क्या सीन चल रहा है भाई? अभी तुम तो वेट करो, अभी एक घंटे के बाद फिर देखो कितने रैपर आने वाले, कितने इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर आने वाले। एज अ यूट्यूब क्रिएटर खुद आया हूँ आज और नेजी भाई को सपोर्ट करने के लिए, और देखा जाए तो अभी लोग और आ रहे हैं, मेरे को फोन आए तो बहुत लोग आने वाले सपोर्ट करने के लिए। जो यहाँ पे एटलास नेजी भाई को क्या क्यों कहना चाहोगे, जैसा गेम खेलना चाहिए उनको, तुम्हारे सबसे क्या गलत कर रहे हो वो उनको सही कर देना चाहिए? सो देखा जाए तो नेजी भाई को और थोड़ा सा ओपन अप होना चाहिए, क्योंकि एंड मोमेंट में जैसे लास्ट टाइम एमसी स्टैंड ने किया था वो धीरे धीरे ओपन अप हुआ था, इस बार जो नेजी भाई है वो स्टार्टिंग से एकदम काफ़ी अच्छा गेम खेले, बट धीरे धीरे जैसा मीडिया से लोग ने इंटरेक्ट किए वो टाइम में भाई वो इतना वायरल गया ना वो वीडियो, तो उसके बाद से लोगों को पता चला नेजी भाई और क्रेजी है, तो समझ रहे हो तुम पूरा गेम उनका ही हाथ में। लेकिन नेजी भाई के जो हेटर्स हैं वो बोल रहे हैं नेजी भाई का गेम एकदम लेजी तरीके से उन्होंने टॉप 5 में आए, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? भाई देखा जाए तो भाई ट्रॉफी उनके हाथ में, उन लोगों को कुछ मतलब ही नहीं है, वो हेटर्स लोग हैं तब जाके तो और मजा आता है भाई गेम में आगे बढ़ने के लिए, तभी तो एक टक्कर होता है भाई। जैसे मुनव्वर भाई जीते थे बिग बॉस 17 तो डोंगरी में भाई क्रेजी क्रेजी। हाँ भाई कुर्ला अभी तुमको पता है क्या, स्टेशन पूरा भर जाएगा कुर्ला के बाहर, पूरी मार्केट जितने जनता है भाई, नवी मुंबई से पब्लिक आने वाले हैं, समझ रहे पवई से आने वाले, अभी तो हम लोग इधर खड़े हैं अंधेरी में तो काफी लोग आने वाले हैं भाई। अभी हाल ही में मैं देखा एक बंदा जयपुर से भी आ रहा है भाई रजिस्टर करके। नहीं नहीं वो एक गेम का पार्ट रहता है, वो कैसा रोस्टिंग एक प्यार मोहब्बत वाली में हो रहा है, बट उसमें ऐसा कुछ ये नहीं है, ऐसा मतलब सामने वाले को हर्ट नहीं होता है, वो गेम ही है, और मुनावर बेसिकली एक कॉमेडियन है तो वो चाहता ही है कि लोगों को हंसाना, तो उनका वही गेम है। लेकिन आपको क्या लगता है सना और नेजी का कुछ चालू है?
हम लोग को एज अ ऑडियंस बहुत मजा आ रहा है वो दोनों को देख के, वो दोनों का कनेक्शन देख के. और नेजी एज अ पर्सन कभी हम लोग ने इतना ओपन नहीं देखे उनको, बिहाइंड द कैमरा ही देखे, और अभी कैमरा के हम लोग उसको देख रहे, एक कनेक्शन बिल हो रहा है. तो ऑब्वियसली बिग बॉस में भी है तो हम लोग को और अच्छा लग रहा है. और हम लोग होप कर रहे हैं कि अभी जैसे बिग बॉस के बाहर सना और नेजी का एक रैप वीडियो आए या म्यूजिक वीडियो आए, वो ही वेट कर रहे हैं. अच्छा, नेजी ने जो रिपोर्टर को बोला था कि तू ज्यादा फ्री मत हो, क्या? अरे भाई वो तो मेरे दिमाग में बैठ गया, ज्यादा ही फ्री हो रहा है. मतलब वो कैसा हो गया, अभी सपोज तुम बोल रहे प्यार मोहब्बत में, अभी उनके भी दिमाग में वही चल रहा है कि बाहर क्या दिखता होगा कि मैं गेम में अंदर आके मैं एक लड़की के पीछे हूँ. बट ऐसा नहीं है, वो पर्सन ऐसा है कि एक फ्रेंड जोन रहना ही चाहिए, एक समझ रहे हो, एक माँ जोन होना ही चाहिए, ऐसा आयबा जोन वाला है. तो वो आयबा जोन उनका वाइफ है, मम्माई वाला. अच्छा, परसों फिनाले है तो नेजी के अपोजिट में कौन लग रहा है आपको टक्कर दे सकता? देखो भाई, देखा जाए तो कोई नहीं है टक्कर में, जो भी था सब निकल गए धीरे धीरे. ओके, और नेजी भाई ये टॉप में, स्टार्टिंग से ही पता था कि नेजी भाई जीतेंगे, क्योंकि उनको मकसद ही ये था कि बिग बॉस में आने के बाद इंशाल्लाह उनका और हाइप मिलेगा उनको. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच देखने के लिए. अबे गांधी जी ने चप्पल में पूरी दुनिया घूमे और देश को आजाद कराया. याकूब भाई सामने, याकूब भाई. Much love, much support, Nezi bhai. You will win. Jeetoge bhai. असल हसल और आने दे बहुत अच्छे गाने हैं, मैंने गली बॉय में सुना बचपन में. तो यस, कम ऑन नेजी, इसका मीम कल बनेगा भाई. आने दे, बॉम्बे से आता है सबसे ज्यादा. देख रहे हो आप नेजी भाई के लिए? घर के अंदर भी है बिल्कुल ना, जैसे वो अंदर रहते वैसे नेजी भाई है, नेजी भाई थे, नेजी भाई रहेंगे और नेजी भाई हमेशा रहेंगे. थैंक यू. क्यूट, वेरी क्यूट, कभी फर्क नहीं पड़ा. तड़का लगना अच्छी है, मजा आता है. कूल, लव, मच लव. वोट फॉर नेजी दिल से. एवरीवन गो एंड डू योर स्टफ. हिप हॉप को वापस जिताते हैं. सेंस वन वे. नेजी भाई थे, नेजी भाई है, नेजी भाई रहेंगे. चलो डैन, थैंक यू. कैसा फील कर रहे हो, कैसा माहौल है इधर?
बहुत सही भाई, बहुत सही। अभी देखेंगे अंदर जाके क्या मजा है क्या नहीं भाई। अंदर से पहले मतलब नेजी का बिग बॉस में देख रहे हो, सब लोग बोल रहे हैं, कुछ हेटर थे उसके बोल रहे हैं कि गेम अच्छा नहीं है, बहुत लेजी है। बोलने वाले बोलते रहेंगे। अभी जब कल परसों रिपोर्टर आया था तो उसने सना और नेजी के बारे में कुछ चीज बोली थी, उसमें रन वो नेजी बड़ा गया था, तो कैसा लगा तुम लोगों को देख के? नहीं वो तो सही लगा भाई, वो तो हक है उनका। और तुम लोगों को गेम कैसा लग रहा है नेजी का अभी देख के? बहुत सही भाई, बहुत सही भाई, बाय बाय। भाई देखो वोट करो नेजी भाई को और जीताओ इस बार का बिग बॉस। हाँ वोट फॉर नेजी। मुंबई 70 वाले को 99 वाले की तरफ से बहुत सारा प्यार, और ट्रॉफी मुंबई 70 में आएगी और इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे अपन, तो फिर वापस से मिलते ठीक है। वोट फॉर नेजी, नेजी दा वाह मुंबई 70। क्या बोलते हो? चलो वोट फॉर नेजी, नेजी, नेजी।